एट्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन रैशनल नंबर्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि अगर दो रैशनल नंबर्स दिए हैं तो उनके बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है या दोनों संख्याओं के बीच के अनेक रैशनल नंबर हमको निकालना है। Let x and y be two rational numbers such that x is smaller than y. Then 1 by 2 x plus y. अर्थात x और y दोनों को जोड़ देंगे और दो संख्या करेंगे भाग कर देंगे या दोनों को जोड़ करके गुणा कर देंगे 1 बटा 2 से। गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 1 by 2 डिवाइड करेंगे तो only 2। दोनों को जोड़कर दो संख्या करेंगे डिवाइड कर। ये रैशनल नंबर लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दोनों के बीच का अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे या 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों एक ही बात। नेक्स्ट सेकंड ये तो हो गया कि अगर दोनों के बीच में एक संख्या निकालनी है तो अगर एक से अधिक दोनों के बीच में संख्याओं को निकालना हो तो इसके लिए भी कुछ सूत्र फॉर्मूला हमारे गणितज्ञों ने दिया है उसे भी हम जानेंगे। Let x and y be two rational numbers such that x is smaller than y. यहाँ भी दो संख्याएं दी हुई है, दो rational numbers दिए हुए हैं x and y. But x is smaller than y. X क्या है y से छोटा है. Suppose that we want to find n rational numbers between x and y. अब हमको x and y के बीच का n तक का हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। एक्स एंड वाई के बीच का अनंत तक हमें क्या करना है निकालना है या 10 तक निकालना है या दोनों के बीच में 5 तक निकालना है या 6 अंक निकालना है या 7 निकालना है। कितने हमें दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं इसके लिए ये सूत्र दिया गया है डी। लेट डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। y में से x को घटा देंगे और जितनी संख्या कह रहा है कि बिटवीन 4 फाइंड द 4 नंबर्स फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स तो वो जो नंबर्स दे रहा है 4 5 उसको यहां लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे। यदि हमें 5 संख्याओं का निकालना है 5 रैशनल नंबर्स निकालना दोनों के बीच में तो यहां 5 लिखेंगे प्लस 1 6 और y में से क्या करेंगे x को घटा देंगे ऐसे डिवाइड कर देंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे देयर एन रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर एक्स एंड वाई के बीच माने हमें रैशनल नंबर्स निकालना है तो पहला जब हम निकालेंगे तो एक्स प्लस डी पहले हम यहाँ डी निकालेंगे कितना आ रहा है जो डी का मान आएगा यहाँ पर वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन इसे डिवाइड कर जो मान यहाँ आएगा उसको यहाँ बैठा देंगे और एक्स का इसमें जो वैल्यूएशन है वो बैठाएंगे हम। सेकेंड निकालना है तो एक्स प्लस टू डी टू मल्टीप्लाई डी यहाँ डी का मान जो है उसको यहाँ बैठाएंगे। वैसे तीसरी निकालनी है तो x प्लस थ्री डी एक्स में से रहेगा x का मान जो रहेगा x बैठा है उसका मान बैठाया जाएगा एंड d यहाँ जो जितना निकला हुआ है वहाँ d लिख देंगे उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम n तक की रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। कंफर्म हो गया कि अगर दो संख्याओं के बीच में एक निकालनी है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे x प्लस वाई बाई टू या x प्लस वाई बाई वन बाई टू गुणा कर देंगे 1 बाई टू से या डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई बाई टू। बात एक ही है या तो दो से भाग करेंगे या 1/2 से गुणा करेंगे बात एक ही है। और हमें एन रैशनल नंबर्स निकालनी है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। पहले हम डी निकाल लेंगे डी निकालने के बाद यहाँ बैठाएंगे एक्स का जो वैल्यूएशन यहाँ बैठाएंगे फिर टू डी है तो टू गुणे डी का मान जितना होता है यहाँ बैठाएंगे। इस तरह से हम एक अनेक हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। बस आज इतना ही क्लास 8 के लिए। फिर अगले वीडियो में आऊँगा। धन्यवाद। आप इसे शेयर भी करते रहिएगा।